एयरपोर्ट है, यहीं पे रनवे है पूरा, यहाँ पर जहाज उड़ते हैं। आगे शायद जहाज खड़े हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहे हो? हाँ वो खड़े हुए, आपको दिखाता हूँ आगे वो जहाज खड़े हुए। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक है, मैं अभी अभी सुबह उठा हूँ, नाश्ता वाश्ता किया है और अभी अभी फारिग हुआ हूँ, तो भाई ने कहा कि जल्दी से उठो तैयार हो और चलो सीपीयू लेकर जाना। आज भाई की छुट्टी थी तो भाई ने कहा सीपीयू भी ठीक होने के लिए दे, काफ़ी दिनों से कंप्यूटर ख़राब पड़ा था तो भाई ने कहा देते हैं। और ये हमारी तैयारी हो रही है लाहौर जाने की, जिसमें से हमारी ये चीज़ रह गई थी, एक ये मेरा परफ्यूम रह गया था, ये ब्रश रह गया था, और ये जो है ना ये भाई का ब्रश है, चुपके से लेकर जाएंगे इसको छुपा के। और ये जो घड़ी है इसके हमने डलवाने हैं अभी सेल, ये अभी इसके सेल डलवाने, क्योंकि इसकी सेल भी डलाने, बल्कि शायद मशीन का मसला, मशीन चेक करवाएंगे पहले, क्योंकि ये भी नहीं चल रही, ये भी अभी दिखाते हैं लेकर जाते हैं। और फिर जो है अभी बाहर चलते हैं क्योंकि भाई कब से बाहर वेट कर रहे हैं, फिर आपको वहीं पर ही मिलता है। अभी तो हम लोग जा रहे हैं सीपीयू सही करवाने कंप्यूटर, वैसे तो लैपटॉप भी ख़राब है मगर सीपीयू पहले ठीक करवा लें, इसको काम वाम को जाता है, इसका काम ठीक हो जाए फिर तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या करना है आज। यार मुझे लगता है कि सबसे प्यारा रोड यही है क्योंकि यहाँ पर इधर लगे हुए हैं, बाकी तो कराची के दरख्त बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। समय नहीं आते कराची के ये रोड इतना साफ सुथरा हो सकता है, एयरपोर्ट की साइड साढ़े साफ सुथरी हो सकती है और साइड हो सकती है, पूरा कराची साफ क्यों नहीं हो सकता? यार ये पूरा एयरपोर्ट है, यहीं पे रनवे है पूरा, यहाँ पर जहाज उड़ते हैं। आगे शायद जहाज खड़े हो तो मैं आपको दिखाता हूँ, दिख रहे हो? हाँ वो खड़े हुए, आपको दिखाता हूँ आगे वो जहाज खड़े हुए। पर सारे जो है ना लोग बैठ जाते हैं इस टाइम पे, आगे रात को ही बैठे थे, बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही होती है यहाँ पर। हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, शुक्र है लिफ्ट मिल गई, वरना जब सीढ़ियों से जाना पड़ता, बस अल्लाह करे लिफ्ट बंद ना हो। अच्छा मैं सोच रहा था कि बिरयानी खाते हैं, मगर बिरयानी तो हमें रात में खानी है शादी में, तो फिर किसी और दिन, कुछ और दिन करेंगे। शादी में आए थे तो हम यहाँ आए और इससे आपको इसकी लाइटिंग दिखा देता हूँ, जो कि अब टाइम ख़त्म होने वाला है, अभी लाइटें ऑफ हो गई हैं और बस अपन जाने की तैयारी है। अच्छा जी, शादी से बाहर निकले तो क्या देखा? देखा कि पास ही एक रेस्टोरेंट है, और वो भी किसका? वो भी सेकंड वाइफ का। पता नहीं किसको सेकंड, अच्छा ये इसलिए होगा कि जिसको सेकंड वाइफ नहीं मिलती वो यहाँ आके खाना खाए, बल्कि घर में डांट ना खाए, खाना खाए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। और इसके बाद तो हम हिम्मत नहीं होगी अभी दानियाल में, दानियाल शाह साहब को खुदा हाफिज़ कहने में तो यहीं से कह देते हैं। अल्लाह हाफिज़।